परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बोर्दा परम पूज्यपाद शिशि दादा अजीर वर्ष आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरण में मेरा अनंत कटि प्रणाम। मेरा परिचारक इंद्रजीत दादा, ऋतिक मंडली, कर्मी मंडली, गुरु भ्राता, मातृ मंडली, छोटे छोटे बच्चे सभी को मेरा आंतरिक रायण जय गुरु। आज का दिन ऐसे तो हर दिन महोत्सव रहता है, जहीं भी कहीं भी जहां भी सत्संग होता है हर जगह महत्व है, मगर विशेष आज का दिन ऐसा है कि हजारे तम माने 1000 कंप्लीट हुआ है ऑनलाइन सत्संग। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है, और इसके पीछे जो भाई लोग ये काम कर रहे हैं, जो लिंक बना रहे हैं, इतने सारे आदमी को इस लिंक में जुड़ने का मौका दे रहे हैं, और भजन कीर्तन जाजन वाणी पाठ ये हर चीज सुनने का जो मौका दे रहे हैं, जो भाई लोग ये लिंक तैयार कर रहे हैं, इनका पीछे जो जो भी है सबका पंच महाजीवन इष्टीभूत हो और शांति स्वस्थ निरामय जीवन जापन करें, यही परमपिता के निकट में प्रार्थना। और आज मेरे को याद आ रहा है जो बहुत सारे शिशि ठाकुर के टाइम से बहुत सारे भक्त आए हुए थे, एक भक्त है पश्चिम बंगाल का जो साहित्यकार लेखक, जो उनका प्रिय बंधु है सुशील चंद्र बसु। तो एक दिन सुशील चंद्र बसु ने वही पश्चिम बंग का साहित्यकार जो लेखक था तो जो थे उनको बुलाए, बुलाने के बाद वो शिशि ठाकुर के पास आए। उनका मन में एक ही जागृत था, जिसके पास अभाव नहीं है क्यों ठाकुर को पकड़ेंगे, गुरु ग्रहण क्यों करेंगे, जिसके पास सब कुछ है, धन रत्न टका पैसा जो भी सब कुछ है उनके पास, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सुख ही सुख है, वो गुरु को क्यों पकड़ेंगे, यही मन में प्रश्न था। जैसे ठाकुर जी का एक सत्यानुसरण में वाणी है, अभाव परिश्रांत मन ही ब्रह्म जिज्ञासा करे न तो वह करे ना, ऐसे एक वाणी था जो हम उड़िया में जानते हैं, इसको तो हिंदी ट्रांसलेट मेरे को नहीं आता है। तो वही वाणी को लेकर शिशि ठाकुर जी को प्रश्न किए, जी ठाकुर मेरे पास तो सब कुछ है, मैं गुरु ग्रहण क्यों करूं। शिशि ठाकुर कितना सुंदर से समझा रहे हैं। आप प्रदीप देखे, आप प्रदीप देखे हैं ना? नहीं, आप मेरे को बताइए। वो लेखक बोले प्रदीप तो सबका घर में रहता है, हम सब देखते हैं, तो प्रदीप के बारे में मेरे को बताइए। वो साहित्यकार लेखक शिशि ठाकुर से बोल रहे हैं कि प्रदीप तो धातु की वस्तु में तैयार होता है और मिट्टी का भी रहता है, और उसी में एक बोलिता रहता है कपड़ा का या रुई का, और घी डाला जाता है, और उसके बाद प्रदीप प्रज्वलन किया जाता है। ठाकुर बोले जो माल और प्रदीप जो प्रज्वलन करते हैं उसमें एक लकड़ी का काठी रखते हैं, क्यों जानते हो? वो लेखक बोल रहे हैं नहीं मेरे को तो पता नहीं है क्यों रखते हैं। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं जब प्रदीप बहुत आग जल जाएगा तब वो काठी उसको धीरे से नीचे कर देने से वो आग थोड़ा धीमी हो जाएगा, और जब वो प्रदीप बुझने का लायक हो जाता है उसी समय वो काठी से ऊपर यदि हम ठेल देंगे तो वो प्रदीप जलने लगता है। प्रदीप का काम है बुझने नहीं देगा और ज्यादा जलने नहीं देगा, गुरु का काम ही ऐसा है। जो गुरु को पकड़ेंगे कोई भी हो सकता है, एक धनी आदमी हो सकता है, गरीब आदमी होता है, कोई भी हो सकता है, सबका जीवन में एक ना एक दिन दुख आता ही आता है, हर समय सुख नहीं रहता है। तो जब किसी का प्रॉब्लम आएगा, जब गुरु को पकड़े तब जाकर तुम्हारा समाधान होगा, और वो जो लकड़ी छोटा सा जो काठी रहता है ना वही गुरु है। जब तुम्हारा जीवन में दुख आएगा विपत्ति आएगा, तुम यदि गुरु को नहीं पकड़े रहोगे तब तुम्हारा जीवन में दुख आएगा ऐसा कि तुम संभल नहीं पाओगे, और तुम यदि गुरु को पकड़े रहोगे तो दुख में भी सुख में भी हर वक्त गुरु का आवश्यकता है। वो लेखक का समझ में आ गया और दिखा लिए। जब हर आदमी के अंदर जब गुरु आ जाते हैं ना, तो गुरु आने के बाद हर आदमी का सुख ही सुख रहता है, और जब गुरु जिसका पास नहीं है वो जीवन में सुखी ही नहीं है, और जब गुरु जिनके पास रहता है वो मूकं कर दिवाचाड़ा पंगु लंघेत गिरि जत कृता परमानंदे माधव, ये जो कहावत है जो भागवत का, जब गुरु रहते हैं एक पंगु भी गिरी लंग कर जाता है। वैसे ही एक बात मेरे को याद आ रहा है, सतीश चंद्र जोलदा शिशि ठाकुर का एक सेवक थे, तो
तो उस समय क्या होता था, जो काश्मीरी पंडित थे वो पंडित क्या करते थे, वो देश भर में घूमते रहते थे और शिष्य बनाते थे। तो जो उनके शिष्य बनता है उसे सर उनका जुक्ति होता है, आर्गुमेंट होता है धर्म की आलोचना शास्त्र वेद के ऊपर में। तो ऐसे घूम घूम कर जो पंडित के साथ शास्त्र ज्ञान का जुक्ति होता है उसके बाद वो लोग शिष्य बना लेते हैं। और काश्मीरी पंडित बहुत विद्वान थे उस समय में, जैसे केशव काश्मीरी दिग्विजय पंडित थे वैसे बहुत सारे पंडित थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक पंडित शिशि ठाकुर के साथ धर्म आलोचना करने के लिए आए थे, और जब आए थे पावना हिमायतपुर तो जब ढूंढने लगे, वो तो शिशि ठाकुर को देखे नहीं थे वो पंडित, कैसे उनका शरीर है कैसा चेहरा है। तो वो पूछने लगे जे मैं शिशि ठाकुर जी से धर्म की आलोचना करना चाहता हूं। तो उसी समय तो एक गुरु भाई ने बोला तो ठाकुर तो अंदर में है, आप अंदर जाइए। तब जब अंदर आ गए तब ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि मैं अनुकूल चंद्र जी के साथ में धर्म की आलोचना करना चाहता हूं, हम जानना चाहता हूं उनके पास कितना ज्ञान है। ठाकुर जी कुछ परिचय नहीं दिए पंडित को, बोले उनके साथ आप आलोचना कीजिए। सामने में खड़े हुए थे सतीश चंद्र ज्वेलदार, तो उनके साथ आलोचना हुआ। जब उनके साथ आलोचना हुआ तो बहुत देर तक आलोचना हुआ। होने के बाद वो पंडित सोचने लगे, मैं इतने सारे जो पंडितों को हरा कर मेरा शिष्य बना चुका हूं, मगर ये सतीश चंद्र ज्वेलदार तो उनको बारे में उनको पता नहीं था, जो सतीश चंद्र ये ज्वेलदार है उनका नाम भी नहीं पूछा। वो सोच रहे थे पंडित जय ये शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र है। तो जब खत्म हुआ आर्गुमेंट, पूछ रहे आपका नाम क्या है, तो पंडित को सतीश चंद्र ज्वेलदार बोल रहे हैं, मेरा नाम है सतीश चंद्र ज्वेलदार, तुम कौन हो? मैं शिशि ठाकुर जी का एक निष्ठ भक्त हूं। वो पंडित आश्चर्य हो गए कि शिष्य इतना ज्ञान ही संपन्न है तो गुरु कैसे होंगे। उसके बाद ठाकुर जी का दर्शन हुआ। ठाकुर जी के दर्शन के बाद वो बोले कि ठाकुर आपके पास, आपके शिष्य के पास इतना ज्ञान है तो आपके पास क्या नहीं है। वो हार कर गए थे, कभी वो पंडित हारे नहीं हुए थे, मगर उसी दिन सतीश चंद्र ज्वेलदार के साथ हार कर पंडित गए थे। यही है शिशि ठाकुर। और एक बात मेरे को याद आ रहा है, अनंत महाराज को एक दिन शिशि ठाकुर ने बुलाया। ठाकुर ने बुलाकर बोल रहे हैं तुमको जाना है अध्यापक पंचानंद देव के पास, और पंचानंद दा के साथ तुम धर्म आलोचना करना होगा। और पंचानंद दा इतना अहंकारी थे कि वो भगवान के बारे में उनका नेगेटिव क्वेश्चन था। और उससे पहले जब अनंत महाराज को बोले ये तुमको पंचानंद अध्यापक पंचानंद दा के घर जाना है और उनके साथ धर्म की आलोचना करना है, उसी समय अनंत महाराज बोल रहे हैं ठाकुर पंचानंद दा के पास तो केष्टोदा गए थे और केष्टोदा हार कर आए हैं, और केष्टोदा एक साइंटिस्ट है, इतना बड़ा आदमी, इतना ज्ञानी संपन्न और इतना क्वालिफिकेशन है, और वो जब हार कर आए पंचानंद दा के सामने, और मैं एक 7 क्लास पास जाकर उनके साथ धर्म आलोचना क्या करूंगा। शिशि ठाकुर समझा रहे हैं जब स्वामी विवेकानंद चिकागो गए थे उसी समय वो रामकृष्ण ठाकुर के ऊपर आलोचना किए, भारत के ऊपर आलोचना किए, धर्म के ऊपर आलोचना किए। करने के बाद दूसरा दिन एक पेंटर को बोले जो हम जो वहां स्पीच दिए उसका एक फटो चित्र बनाकर मेरे को दीजिए। वो पेंटर बनाकर जब स्वामी विवेकानंद नरेन को, जिसको बोलते हैं स्वामी विवेकानंद को, दिखाया तो वो फोटो था रामकृष्ण ठाकुर का। स्वामी विवेकानंद रोने लगे, उसको पूछे तुम मेरे गुरु को कभी देखे हो? कि नहीं, हम तो कभी इंडिया गए ही नहीं, हम कैसे देखेंगे, ये कौन है जानते हो? कि नहीं मैं नहीं जानता हूं, यही तो खड़े होकर स्पीच दे रहे थे। स्वामी विवेकानंद की आंख से आंसू टप 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 गिरने लगा, बोले ये है मेरा गुरु और तुम इसको इस पेंडल में देखे हो? कह हाँ यही तो स्पीच दे रहे थे, आपके साइड में ये खड़े हुए थे। स्वामी विवेकानंद के ऊपर अनुभव हुआ कि जब गुरु साथ में रहते हैं ऐसा कोई असाध्य जिन्स नहीं है जो साध्य नहीं हो सकता है, और गुरु जिसके साथ नहीं रहते हैं वो फेलियर ही फेलियर होते हैं। ये जीवन देखिएगा, आपका घर के बगल के और आपके यदि आप तुलना कीजिएगा तब आपको पता लग जाएगा। उसके बाद शिशि ठाकुर पुनर्बार अनंत महाराज को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, जे तुमको जाना ही है पंचानंदा के साथ वही धर्म की आलोचना करने के लिए। और उसके बाद पुनर्बार शिशि ठाकुर अनंत महाराज को समझा रहे हैं, तुम जानते हो जब वर्धमान में एक विशाल सभा हुआ था उसी विशाल सभा में अध्यापक शरत चंद्र हलदार जाने वाले थे,
विश्व बंदिता बाग में जनार्दन बंदोपाध्याय जाने वाले थे, दीनबंधु घोष जाने वाले थे, प्रफुल्ल कुमार दास जाने वाले थे, मगर उस दिन वो लोग जा नहीं पाए। और उसी विराट सभा को कौन आयोजन किया था पता है? डॉक्टर भूपेंद्र चंद्र घोष। और उसी सभा में जब वो नहीं गए, उसी सभा में वो साधारण एक मेरा जो भूपेंद्र चंद्र घोष ने ऐसा स्पीच दिया, इसमें ऐसा स्पीच दिया कि वो 3 घंटा कैसे बीत गया पता नहीं चला। और वर्धमान आकर वो ट्रेन में देवघर आए, देवघर आकर मेरे को बोल रहे हैं कि ठाकुर आप मेरे को बात बोले थे जाने के लिए मगर आप गए नहीं। ठाकुर क्या बोले पता है? अरे तू तो वहां खड़ा होकर 3 घंटा जाजन किया और पीस ऑफ साइलेंट इतना सारे आदमी खड़ा होकर तुम्हारा जाजन सुन रहे थे। तो वो भक्त ने बोला ठाकुर आप वहां थे मेरे को पता नहीं चला। अरे तू तो मेरे को बोलता है विश्वव्यापी मैं हूं, इस जितना धरा में जितना जगह है वही सब जगह में मैं ही हूं और तू बोलता है क्या जगत गुरु जगत ब्रह्मा, मैं तो हर जगह में हूं। वो रोने लगा, रोने लगे के बाद वो बोला है ठाकुर आप वहां खड़े थे मेरे साथ और मेरे को पता नहीं चला और आप 3 घंटा मेरे तो बात ही नहीं बोल पाता हूं और 3 घंटा कैसे बोला मेरे को भी पता नहीं है, मैं किसी का साथ तो ठाकुर जी का बारे में धर्म के बारे में मेरे को पता ही नहीं है। देखिए गुरु जिसके साथ है वो मुकंकर दिवाचाड़ा पंगु लंघित गिरी जत कृता परमानंद माधव, जो गुरु साथ रहते हैं ना तो पंगु भी वो गिरी लंघन कर देता है, वही है गुरु। उसके बाद अनंत महाराज वो मान गए, मानने के बाद वो गए पंचानंदा के घर, अध्यापक पंचानंदा उनके साथ प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न पंचानंदा पूछने लगे अनंत महाराज को, पूछते 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 3 घंटा बीत गया। 3 घंटे के बाद सब आंसर ठीक ठीक अनंत महाराज देने लगे। देने के बाद अनंत महाराज बोले जो आप पहले बोले थे और बीच में और लास्ट में उसी के ऊपर में 3 क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूं, आप मेरे को इसके बारे में बताइए। अनंत महाराज पंचानंद का प्रश्न पूछ रहे हैं, 3 प्रश्न। 3 प्रश्न पूछने के बाद पंचानंदा के मस्तिष्क में एक घुस नहीं रहा है ये प्रश्न। वो बोले मेरे को एक टाइम चाहिए। पंचानंदा इतना ज्ञानी पुरुष, इंग्लिश में एमए, इतना ज्ञानी पुरुष, उनको 3 प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है और अनंत महाराज पूछे पंचानंदा को। उसके बाद पंचानंदा बोल रहे हैं आपका क्वालिफिकेशन क्या है? अनंत महाराज ने बोल रहे हैं मेरा क्वालिफिकेशन 7 क्लास है। आश्चर्य हो गए 7 क्लास होकर ऐसा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, मेरे को ज्ञान नहीं है तो आप इतना ज्ञानी के अधिकार कैसे हुए? अनंत महाराज बोल रहे हैं मेरा गुरु का आशीर्वाद है। यही गुरु का आशीर्वाद के बाद बोलने के बाद बोले ठीक है मैं ये 3 प्रश्न का उत्तर, मेरे को कुछ समय चाहिए। 3 दिन बीत गया, 7 दिन बीत गया, 15 दिन के बाद इसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वो हार मान गए। उसके बाद आए श्री ठाकुर जी के पास दीक्षा लेने के लिए और पंचानंदा अनंत महाराज 7 क्लास पास, उन्हीं के द्वारा हार कर आए श्री ठाकुर के पास। यही है गुरुदेव। दादा समय हो गया क्या? ठीक है दादा। तो एक उसी के बाद श्री ठाकुर के पास आए अनंत महाराज। अनंत महाराज आकर श्री ठाकुर जी को बोले जे पंचानंदा मेरे को 3 घंटा प्रश्न पूछे, उसके बाद में 3 प्रश्न का उत्तर चाह रहा था मगर वो दे नहीं पाए और आपके पास आए हैं दीक्षा लेने के लिए। और उसी समय अनंत महाराज को बोले जे एक रामकुष्ट ठाकुर जी का एक बात है। अनंत महाराज श्री ठाकुर जी को बोल रहे हैं कि रामकुष्ट ठाकुर जी का एक कहानी है, जीवंत बात है। जे एक भक्त को बोले कि जे गुरु ग्रहण का क्या आवश्यकता है, मेरे पास तो सब कुछ है। उसी समय रामकुष्ट ठाकुर उसी भक्त को बोले तुम जाओ उस बिल्डिंग में और उस बिल्डिंग से आकर क्या क्या है तुम देख कर मेरे को बताओ। अरे भक्त गए वही बिल्डिंग, बिल्डिंग जाकर देखे कितना सुंदर सजावट है,
कितना आसवा पत्र है, कितना आदमी वहां पर रहते हैं, इतना सुंदर सा बिल्डिंग सजावट लाइट से इतना सुंदर लगा। वो आकर रामकृष्ण ठाकुर को बोले, उसकी बात रामकृष्ण ठाकुर बोल रहे, तुम जाओ वो राज दरबार जाओ वहां देख कर आओ। वो राज दरबार गए, बहुत पुराना वो किला था, वो बंद पड़ा हुआ था, उसमें पूरा गंदा गिरा हुआ था पूरा बिल्डिंग। देखकर जब आए, आने के बाद ठाकुर जी को रामकृष्ण ठाकुर को बोले, वो बिल्डिंग गया था वहां पर कोई भी नहीं था, और वहां इतना गंदा हुआ है वो भूत का जैसे कोठी लग रहा है। उसी समय रामकृष्ण ठाकुर बोल रहे हैं, पहला बिल्डिंग तुम जब गया था वहां पर मालिक था, इसीलिए वो बिल्डिंग चकाचक है और इस घर में मालिक नहीं है, इसीलिए तो ये गंदा पड़ा हुआ है। तो तुमको समझ में नहीं आता है ये जो पृथ्वी में ग्रह तारा चंद्र और ये जंगल इतना सारे आदमी, यहाँ भारत से अमेरिका तक ये जो नदी, कितने सारे चीज सजावट है, इसका तो कोई एक मालिक होगा, इसको कोई तो कंट्रोल कर रहा होगा, इतना समझ में तुम्हारा नहीं आता है। उसकी बात समझ में आ गया, अनंत महाराज जी ने ठाकुर जी को वही बात याद करवा दिया और पंचानंदा बैठे बैठे उनका आंख में आंसू आ गया, उनका अहंकार था ज्ञान का। तो पंचानंदा दिखा लिए, जो भी है यहाँ उपस्थित अनुपस्थित सबका पंच महाजीवन इष्टीभूत हो, सब शांति स्वस्ति निरामय जीवन जापन करें, और ये जो हजार तम आज सत्संग है ऑनलाइन सत्संग, ये आगे चलता रहे, यही परमपिता के निकट में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा, जय गुरु।